बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 100 सीआरपीसी फॉर डिस्कवरी ऑफ द पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एकेडमिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो शख्स जिसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा गया है और वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसी है विच कॉन्स्टिट्यूट्स अफेंस, जो जुर्म बनता है, तो कोई मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटर एलिया द अदर वंस एज वेल। नंबर वन, द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डज हैव एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड दी मटीरियल प्लेस्ड बिफोर हिम, उसको पेरूज करने के बाद जो इतला मवाद उसके पास है दरखास्त की सूरत में या वैसे उसके इल्म में, और ही हैज रीजन टू बिलीव कि इट इज अमाउंटिंग टू एन ऑफेंस, देन ही मे इशू वारंट। मे इसलिए यूज है कि अगर उसने जो अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करनी है, अपनी जो सवाबदीद इस्तेमाल करनी है, वो इस तरह से करनी है कि उसको ये इस पे कन्विंस्ड हो कि ये जो कैद है ये इलीगल है, यानी ऑफेंस बन रही है, तो फिर वो वारंट सेक्शन 100 के तहत जारी करेगा। और जिसको वारंट जारी करेगा आमतौर पर पुलिस वाला होता है, कोर्ट अपने इसमें एहलकार को भी मुकर्रर कर सकती है कि वो अकॉर्डिंगली उसको डिस्कवर करे, सर्च करे, डिस्कवर करे और विदाउट डिले फौरन उस इशूइंग मैजिस्ट्रेट जिसने वारंट इशू किया उसके पास पेश करे, और अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए उस पे प्रॉपर ऑर्डर करे। यहां पर काफी वाइड कोनोटेशन है, यहां पर काफी वसी इख्तियार है कि उसने अपने डिस्क्रेशन के मुताबिक उस पर ऑर्डर करना है। लेकिन एक चीज पक्की है, वो किसी भी सूरत में उसको जो रिकवर्ड आदमी है, औरत है या मर्द है या बच्चा है, व्हाटएवर, उसको डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। टू सेट हिम हिज लिबर्टी कैन नॉट बी कटेल्ड, उसकी लिबर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। और अगर वो बालगा है, 18 साल की औरत है, और भले वो मुगविया ही क्यों नहीं है, उसको टू सेट एट लिबर्टी जो है वो करना जरूरी है। अब इसमें डिफरेंट जो सूरत हाल हाय पेश आती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स के सामने आई पर्टेनिंग टू सेक्शन 100, वो आपके सामने रखेंगे ताकि ये कंसेप्ट जो है, ये आपके एक बंदा जो नजायज हिरासत में है, डिटेंशन कहें, कन्फाइनमेंट कहें, उसको कैद कहें, जो जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, यानी इलीगल है, तो जो भी इलीगल डिटेंशन होती है, कन्फाइनमेंट होती है, वो ऑफेंस होता है। तो अब इसमें डिफरेंट केस लॉज की सूरत में आपके सामने पेश करेंगे इसको। ये पहला एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो सेक्शन 100 के तहत वारंट जारी होने से मुतालिक है। इसमें एक बात की गई है कि इसमें प्रॉपर सेंस में जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रोसीड कर रहा है, वो प्रॉपर सेंस में उसको जुडिशियल इन इट्स प्रॉपर सेंस नहीं कहा जा सकता, यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं कहा जा सकता। और ये जो सेक्शन है 100 सीआरपीसी, इसी जजमेंट में ये भी होल्ड किया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कि ये एक अनेबलिंग सेक्शन है। किसके लिए अनेबल करती है? फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विच इज फंडामेंटल राइट ऑफ ईच सिटीजन ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973।
दैट इज आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहता है कि टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनवायलेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज रिपोर्टेड एज PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज है 507। अब सेक्शन 100, क्योंकि अब सेक्शन 100 के तहत एक खामंद ने कहा कि मेरी बीवी को नाजायज कैद में रखा हुआ है, तो ये जो एक बंदे ने असर्ट किया एक फैक्ट को मजिस्ट्रेट के सामने में कि मैं खामंद हूं और मेरी बीवी को बंद रखा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उस पे वारंट जारी फरमा दिया। अब बात यह है कि यह आरल असर्शन थी, ये जुबानी थी, तो मजिस्ट्रेट साहब पे लाजिम था कि उसको कहते कि भाई निकालनामा दिखाओ, इसलिए ताकि वो सफिशिएंट मटेरियल उसके सामने आए, फिर वो कह सकता है कि नाउ आई डू हैव द रीजन टू बिलीव के ये रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में। ये इट इज नॉट ए प्ले थिंग फॉर चिल्ड्रन, ये एक सर्च वारंट है जो कहीं पे किसी की आनर पे रेस्पेक्ट पे अफेक्ट हो सकता है। अगर पुलिस वाले की है तो उसका डिपार्टमेंटल इश्यू हो सकता है। तो पहले तो मैजिस्ट्रेट अपने आप को मुतमैन करे कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे ही हैज रीजन टू बिलीव कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, कि समबडी इज बीइंग कन्फाइंड इन इलीगल कन्फाइनमेंट, यानी ऑफेंस हो रहा है। सो हाई कोर्ट ने इस वारंट को इसी बुनियाद पे कि निकालनामा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आरल असर्शन दुरुस्त नहीं थी, तो हाई कोर्ट ने क्वेश किया इस वारंट को। दिस इज रिपोर्टेड एज 1977 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 111। अब अगर एक बच्चे की कस्टडी है, नाबालिग बच्चा है, और उसके दादा दादी या नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स के पास है, तो मैजिस्ट्रेट साहब उसमें बच्चा भले 6 माह का है, भले 6 साल का है, अब सोचने की बात है कि क्या ये ऑफेंस बनता है। The answer is no. तो हाई कोर्ट ने इसको खत्म फरमाया कि ये इलीगल एक्सरसाइज हुआ है, जुरिस्डिक्शन जो है ये प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 100 के तहत, क्यों कि इसमें ऑफेंस, वो जो कैद है उसका ऑफेंस बनना जरूरी है, इलीगल होना जरूरी है। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1972 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 23। और इसी जजमेंट में एक और बात भी होल्ड की गई कि मैजिस्ट्रेट क्लास 1 फर्स्ट क्लास सिर्फ अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर यह वारंट जारी कर सकता है, उससे बाहर नहीं, इसी जजमेंट में। और एक और बात के मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 100 का वारंट जारी किया, जो जिस शख्स को नाजायज कैद में रखा गया था वो डिस्कवर हो गया सर्च के दौरान, वो मिल गया। अब उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, उसका बयान लिखा। नाउ द मैजिस्ट्रेट इज कन्विंस्ड एज नाउ ही हैज सफिशिएंट मटेरियल बिफोर हिम, तो वो उसकी उसकी कॉग्निजेंस भी ले सकता है उस ऑफेंस की। कौन सा ऑफेंस? इलीगल कन्फाइनमेंट। किसके खिलाफ? जिसने रखा हुआ था। इट इज रिपोर्टेड एज 1973 ब्रैकेट में 2 आंध्र प्रदेश .wr पेज 344।
अब अगर एक आदमी जिसको मैजिस्ट्रेट साहब ने अपॉइंट किया है इस सेक्शन 100 के वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर यानी अमल दरामद करने के लिए, और वो जानबूझकर डिलिबरेटली जानबूझकर उसको प्रॉपर नेगलेक्ट करता है, यानी उस पर अमल दरामद प्रॉपर नहीं करता जैसे करना चाहिए, तो ये एक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ दैट पर्सन विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये तोहीन अदालत का जुर्म बनेगा उसकी पार्ट पे। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1970 ब्रैकेट में 74 कैलकाटा WN पेज 321। एक और बात, कुछ पहले जो वारंट्स की हमने बात की प्रीवियस चैप्टर्स में और उसमें और इसमें एक फर्क आप नोट फरमाए, उसमें सर्च वारंट जारी करने से पहले मैजिस्ट्रेट पे लाजिम है कि वो सर्सरी इंक्वायरी करे और जो मटेरियल उसके सामने है उससे इफ ही हैज रीजन टू बिलीव तो फिर जारी करे वारंट अगर उसकी जरूरत है। लेकिन इसमें एक फर्क है, यहां पर एक इंसान का बुनियादी हक, राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, दैट हैज बीन कंप्रोमाइज, दैट हैज बीन जिओपर्डाइज्ड, दैट हैज बीन कर्टेल्ड। तो इसलिए सेक्शन 100 के तहत जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो कंडक्ट करना कतन जरूरी नहीं, एक बात, और दूसरी बात प्रायर रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस वो भी रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं। हां, जब वो डिस्कवर हो गया नजायज हिरासत से तो फिर उसकी स्टेटमेंट और वो बाद में उसकी स्टेटमेंट के बाद कोर्ट का डिस्क्रिशन है, चाहे तो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले ले आफ्टर एडजुडिकेशन। दिस इज रिपोर्टेड एज 1989 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज है 1386। मैजिस्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ ऐसी कैद, ऐसी कंफाइनमेंट, ऐसी डिटेंशन, ऐसी हिरासत जो ऑफेंस बनती है, सिर्फ उस सूरत में सेक्शन 100 का इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1938 कैलकटा पेज 704। ये बात दुरुस्त है कि मैजिस्ट्रेट साहब डिस्कवरी या पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड की रिकवरी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, लेकिन अब इसी तरह के केस में 18 साल की खातून थी जिसको रिकवर किया गया, उसको उन्होंने कहा कि इसको किसी और जगह पे फलां जगह पे रखा जाए। अब ये जो आ गए ऑर्डर था ये इलीगल था, भले को दारुल अमान है, भले को उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, चाहे वो बालिग है चाहे वो नाबालिग है, कौन, जिसको नजायज कैद में रखा गया था, मैजिस्ट्रेट उसको उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रख सकता, ही इज बाउंड टू सेट हिम आर हर एट लिबर्टी। सो दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1957 पिशावर पेज 689। अब यहां पे सुई जूरिस है, यानी बालिग मर्द या औरत है तो वर्ड शेल यूज हुआ है इन हालातों वाकयात के मुताबिक प्रॉपर ऑर्डर करेगा, तो इसमें कहीं भी ऐसी उसको मैजिस्ट्रेट साहब को इख्तियार नहीं है कि उसको किसी भी तौर डिटेंशन में रखे, भले वो एबडक्टेड पर्सन या खातून है, पर्सन में दोनों आ जाते हैं, तो डिटेन करने का मैजिस्ट्रेट को कोई इख्तियार नहीं इसके एक्सरसाइज। सो दिस इज रिपोर्टेड एज 1972 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1564। और बालिग मर्द बरामद हुआ उसको भी बाउंड है टू सेट एट लिबर्टी इसी पॉइंट पे, भले वो 16 या ज्यादा साल का है तो भी, इस पे दो इन पॉइंट्स पे दो जजमेंट्स लिखे, PLD 1963 ढाका पेज 464 एंड PLD 1964 ढाका पेज 42।
और ये जो मैंने बात की कि अगर कोई मगवी अबडक्टेड लेडी है तो उस पॉइंट पे भी आप लिखें, स्पेशली अगर वो लॉफुली वेडेड स्पाउस है, लॉफुली वेडेड वोमेन है, तो उसको भी डिटेन नहीं रख सकते। पीएलडी 1962 क्वेटा पेज 108। अब एक खामंद ने सेक्शन 100 को एक्सरसाइज करने के लिए मैजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट को दरखास्त दी कि मेरी बीवी अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रही है तो उसको रिकवर किया जाए। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 100 का वारंट जारी किया फॉर डिस्कवरी सर्च वगैरह एंड प्रोडक्शन, तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, इसलिए कि ऐसी जो कैद है या हिरासत है वो इलीगल कैसे हो गई, वो तो अपनी मर्जी से रह रही है। इलीगल तो तब होती है जब किसी को जबरदस्ती रखा जाए, तो वो फिर ऑफेंस तो ना बना। सो दिस इज रिपोर्टेड एज पीएलआर 1962 ढाका पेज 132। अब डेढ़ साल का बच्चा, खामंद ने बीवी से छीन लिया, जबरदस्ती ले लिया जिस भी तरह से, तो जो मैजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट है वो सेक्शन 100 के रिफ्यूज नहीं कर सकता, इस प्ली पर के अल्टरनेटिव रेमेडी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत मौजूद है, इसलिए कि बच्चे की वेलफेयर की, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज इन्वॉल्व, और सेक्शन 100 के इस्तेमाल को सेशन जज उसके ऑर्डर के खिलाफ, यानी सर्च वारंट का ऑर्डर जो किया उन्होंने सेक्शन 100 के तहत, तो सेशन जज 75 सब क्लास 3 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज 75 सब क्लास 3 के तहत इंजेक्टिव ऑर्डर नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। और अगर कोई कस्टडी सेक्शन 100 के तहत इलीगल है तो हाई कोर्ट उसको क्वेश कर सकती है, क्वेश्चनेबल हो जाएगा, क्योंकि इलीगल पेटेंट भी इलीगल ऑर्डर है, क्योंकि सेक्शन 100 का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद किसी बंदे को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, डिस्कवर्ड पर्सन को। और कस्टडी ऑफ माइनर जो है इसका किसी भी तौर सेक्शन 100 के तहत नहीं डिसाइड किया जा सकता, ये गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट करेगी अपने लॉ के तहत। दिस इज 1993 एमएलडी पेज 174। और जो मैंने बात की कि सेक्शन 100 के तहत रिकवर्ड आदमी को किसी भी सूरत दारोलमान वगैरह नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वो भी इलीगल एंड इम्प्रॉपर डिटेंशन के जुमरे में आएगी, मैजिस्ट्रेट हैज नो अथॉरिटी टू सेंड ए डेटिन्यू टू दारोलमान अगेंस्ट हर विशेस। इस पे 3 जजमेंट्स आपके लिए सर्च किए हैं, 1988 एमएलडी पेज 169, पीएलडी 1988 लाहौर 333 एंड पीएलडी 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज 6। एक और बात कि क्या एडिशनल सेशन जज पावर सेक्शन 100 का वारंट जारी कर सकता है? द आंसर इज नो। अगर वो करेगा तो इलीगल हो जाएगा, क्यों? इसलिए कि ये इख्तियार मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एसडीएम के पास है। आई ऑलवेज विश माई लेक्चर बी बेनिफिशियल फॉर यू, कीप वॉचिंग, कीप गाइडिंग मी विद योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह नेगेबान।